अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको जलफेजी चिकन बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने लिए हैं 3 बड़े टमाटर लिए हैं, एक कैप्सिकम लिया है, एक फुल गार्लिक लिया है, 3 मीडियम प्याज लिए हैं, 2 टेबलस्पून मैंने हरा धनिया लिया है, 2 अचार मिर्च लिया है जो मैंने छोटी छोटी काट ली हैं, 5 मैंने ग्रीन चिली ली हैं, ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है इसलिए मैंने 5 मैंने जो ली हैं वो मैंने काट के रख दी हैं छोटी छोटी, और 3 मैंने ली हैं वो अब बाद में डालूँ एंड में डालूंगी, ये क्योंकि ये इतनी स्पाइसी नहीं है इसलिए मैंने 8 ली हैं। 5 टेबल स्पून मैंने ओलिव ऑयल लिया है, आधी टी स्पून मैंने नमक लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने शान का जलफ्रेजी चिकन मसाला लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने घर में बने हुए बसार लिए हैं, 1 टी स्पून मैंने गर्म मसाला लिया, आधी नमक मैंने इसलिए आधी टी स्पून लिया है क्योंकि इसमें मसाले में काफ़ी नमक और मिर्च है इसलिए मैंने बसार और नमक थोड़े लिए हैं क्योंकि हरी मिर्चें भी डलेंगी, और 1 किलो मैंने चिकन लिया है। ये सारे मसाले मैंने अपने हिसाब से बनाए, ये 5 लोगों के लिए माशाल्लाह काफ़ी हैं। आप अगर मसाले या नमक मिर्च जो है ना वो कम कर सकते हैं, जो कम स्पाइसी खाते हैं वो कम कर लें, ये माशाल्लाह मीडियम है, ना ज़्यादा स्पाइसी होगा और ना जो ना ज़्यादा मीडियम लो होगा, ये माशाल्लाह अच्छा टेस्ट के लिए वेरी नाइस है। अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं मसाले नमक मिर्च तो कर सकते हैं। और मैं एक और बात आपको बता दूं कि ये मैं डब्बे वाले इंग्रेडिएंट वो जो है ना मैं यूज़ नहीं करूँगी, डब्बे पे जो लिखा के कैसे बनता है ये मैं खुद अपने दिमाग से अपने ही यूज़ कर रही हूँ, अपने ही सब कुछ इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही हूँ। चलें भी बस मैं वहाँ गैस ऑन करती हूँ, पहले आप इसको थोड़ा सा हाई रखें 1 मिनट के लिए, देखें मैंने 1 मिनट के लिए हाई रख लिया, 1 मिनट हो गया, अब इसको बिल्कुल लो कर देते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ ओलिव ऑयल डाल रही हूँ, 5 टेबल स्पून, इसमें प्याज, ये वीवस मैंने कॉपी नहीं किया हुआ है डब्बे में से, ये मेरा अपना तरीका बनाने का, मैं किसी को कॉपी नहीं करती हूँ। आप इसको 3 मिनट तक पकाएं, गैस फ्लेम थोड़ी हाई कर दें, अगर आप चाहें तो इसमें जिंजर भी डाल सकते हैं। और लेमन भी डाल सकते हैं इसका, इसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल सकते हैं। लेमन जूस चाहे आप फ्रेश लेमन जूस डालें या फ्रेश लेमन का जूस डालें, या चाहे आप उसका जूस जो होता है बाटल में बाजार मार्केट से मिलता है वो भी डाल सकते हैं, मगर लेमन से बहुत अच्छी टेस्ट आती है, खाने की स्मेल वगैरह भी निकल जाती है। टमाटर ऐड करती हूँ, फ्लेम जो मीडियम रखनी है आपने, और जो ग्रीन चिली है ये वाली ये भी ऐड करती हूँ, ये वाली ये मसाला शान का, ये बसार है, ये नमक आधी टी स्पून जैसा, आप डब्बे वाली वो जो होती है लिखा हुआ होता है इंग्रेडिएंट इंग्रेडिएंट भी, और तरकीब वगैरह खा बनाने का तरीका जो होता है वो है, कोई जरूरी नहीं है कि आप वही बनाएं, आपको जो अपना बेटा था वो बनाएं, जो आप अपने खुद अपने तरीके से बनाती हैं क्योंकि उनका तरीका वो तरह से होता है।
और हम जो है खाना अच्छी तरह से पका के खाते हैं। वो लगने में तो आपको अच्छा लगेगा और खाने में अच्छा नहीं होगा इतना। अब इसमें मैं 1.5 ग्लास जो है वो पानी डाल दें, 1.5 ग्लास मैंने पानी डाला इसमें ताकि ये प्याज जो गल जाए। 10 मिनट के लिए इसे मैं बंद करके रख दूंगी और टाइम टू टाइम देखती रहूंगी। देखें व्यूअर्स, ये इसे उबाल आ गया है। अब आप इसे धीमी आंच पे, मीडियम आंच पे, ना ज़्यादा हो ना बहुत लो हो ना बहुत हाई, ना बहुत ज़्यादा हाई हो, तो आप मीडियम आंच पे इसको रहने दें 10 मिनट के लिए और टाइम टू टाइम देखते रहें। देखें भी बस प्याज ऑलमोस्ट गल चुका है। देखें भी बस ये प्याज तकरीबन गल चुका है और मैं इसे 5 मिनट के लिए भूनूंगी और इसके बाद इसमें मैं चिकन डाल दूंगी। देखें भी बस अब इसमें से ऑयल जो है वो सेपरेट हो रहा है, अब इसमें मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। कलर इसका कितना अच्छा है, लाइट लाइट सा लग रहा है ये मसाले की वजह से भी और जो मैंने अपनी जो तरीका यूज़ किया ना उसकी वजह से। अब इसे मैं 20 मिनट के लिए रखूँगी। मैंने हाई फ्लेम पर रखा था 1 मिनट के बाद। अब मैं इसको मिक्स करके देख रही हूँ दोबारा और टाइम टू टाइम आप भी इसको देखते जाएं। जब तक 20 मिनट में चिकन इंशाल्लाह गल जाएगा, अगर ना गल गया तो आप थोड़ी देर के लिए और भी रख सकती हैं और इसे टाइम टू टाइम देखती भी रहें। अब मैं इसे मीडियम हीट पर रख रही हूँ क्योंकि चिकन काफ़ी पानी छोड़ गया, इसे लो हीट पर नहीं रख सकती ज़्यादा। अब देख रही हूँ मैं इसको, देखें इसमें कितना पानी चिकन ने छोड़ा है और चिकन ऑलमोस्ट गल भी गया होगा इसमें से। मैं देखती हूँ, देखा चिकन गल भी गया। आप इसके हीट जो है आप थोड़ी सी फ्लेम जो है गैस की थोड़ी हाई कर दे, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं। और इसमें अब मैं लेमन पेस्ट डाल रही हूँ ये वाला। मैं फ्लेम हाई कर रही हूँ। आप देखें भी बस माशाल्लाह कितनी अच्छी चिकन जलफ्रेजी तैयार हुई है। आप भी बनाएं, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो या मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मुझे और शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।